कभी वो कहते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया से उद्घाटन करना चाहिए, कभी कहते हैं कि ये आज कलंक का दिन है। नरेंद्र मोदी जी के विशाल और कद्दावर व्यक्तित्व के सामने ये बौने नजर आते हैं, उसका विरोध करके आखिर कहना क्या चाहते हैं। ताबूत तो उनकी बनने वाली है और वो दिन दूर नहीं कि इस प्रकार के राजनीतिक दल उस ताबूत में समेटे हुए नजर आएंगे। नए संसद भवन उद्घाटन को लेकर के सियासी घमासान तेज है। वही बता दें कि नए संसद भवन की तुलना जिस तरह से ताबूत से की गई है, वहीं साथ ही साथ जिस तरह से वहां पे पंडित नजर आए तो इस पे अब सवाल खड़ा होने लगे। इसी पे बात करने हमारे साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद यादव, क्या कहेंगे उसकी तुलना ताबूत से की जा रही है। अरे देखिए, सबसे तो पहले जो विपक्षी दल हैं जिन्होंने उद्घाटन का बहिष्कार किया, पहले ये तय करें कि उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे हैं कि नया संसद भवन के बारे में वो टिप्पणी कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया से उद्घाटन करना चाहिए, कभी कहते हैं कि ये आज कलंक का दिन है, यह ताबूत है, आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विशाल और कद्दावर व्यक्तित्व के सामने ये बौने नजर आते हैं। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इस सरकार का हम किस प्रकार से विरोध करें। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा जो भारत का लोकतंत्र है, जो उसका मंदिर है, जो अपने आत्मनिर्भर भारत का एक कहीं जीता जागता उदाहरण है, तो वो उसका विरोध करके आखिर कहना क्या चाहते हैं। ताबूत तो उनकी बनने वाली है, जो ताबूत से जिसकी तुलना की है, और वो दिन दूर नहीं कि इस प्रकार के राजनीतिक दल उस ताबूत में समेटे हुए नजर आएंगे। जब पुराने संसद भवन थे उस टाइम जो है राष्ट्रपति नजर आए, सभापति नजर आए, उपसभापति नजर आए, लेकिन इसमें तो सिर्फ ब्राह्मण नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं क्या ब्राह्मणों से ही संसद चलेगा क्या? नहीं देखिए, हम सब तो समाज के सभी वर्गों को लेकर चलते हैं और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की हमारी अपनी अवधारणा है। और देखिए, भारत की जो अपनी सांस्कृतिक अवधारणा है उसके अनुरूप इन सारी चीज़ों को कहीं न कहीं सरकार ने उसे अमली जमा पहुँचाया है, ये हमारी तो संस्कृति है। हमारे साथ थे पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद यादव, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है जो लोग वे कभी जो है कहते हैं अपमान करते हैं राष्ट्रपति से उद्घाटन नहीं करा गए तो कभी ताबूत से तुलना कर देते हैं। वहीं पे उन्होंने साफ तौर पे कहा जिस तरह से ये लोग ताबूत की तुलना कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये आखिरी ताबूत होगा। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ये लोग बात कर रहे हैं, साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 2024 के चुनाव आने वाले हैं और ये लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और अपमान की बात कर रहे हैं, पंडितों की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा सबका साथ सबका विश्वास और सबका विश्वास होगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवाणी, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवाणी न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।